सो गाइस, अभी चैम सो चुका है और अभी मैं, राजनंदनी, मोहम्मद भाई और रुकू अभी हम लोग जा रहे हैं बीच बीच जा रहे हैं और एकदम हम लोगों के रूम के पीछे साइड में ही बीच है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। सो गाइस देखिए, समुंदर में नहा के और भी नमकीन। वाव, यहाँ का व्यू बहुत ज्यादा अच्छा है। पूल के पानी से नहाएंगे हम लोग। हाँ, चेंज कर लेंगे। और एक साइड सूरज है, यहाँ देखिए सूरज है और यहाँ है चांद। अब हम लोग उतर रहे हैं। और हमारी रुकू का भी व्लॉग बन रहा है, तो हमारी रुकू का भी व्लॉग जाकर आप लोग देख सकते हैं। और गाइस, मंदारमनी में ना आपको एकदम शांति मिलेगा, एकदम शांति, सुकून। और ये हम लोगों का होटल है और फ्रंट के साइड में बीच है गाइस। हम लोग, यहाँ का पानी ब्लू है गाइस, आसमान और जमीन में आपको फर्क नहीं दिखेगा। यहाँ का पानी एकदम ही ब्लू है और अब तो फोटो चांदर सही लगा। अब तो सुनो, माछ खाने सुकनो क्या ना चलो। ये देखो केकड़ा, केकड़ा केकड़ा छे, फोक फोक दे रुक छे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फी वगैरह ले रही है, वो जाके आप इसी की आईडी में देख लीजिएगा, इंस्टा आईडी में। हाँ हाँ, और मैं यहाँ वीडियोस वगैरह थोड़ा बहुत ले रही हूँ। देखिए गाइस, कितना ब्यूटीफुल व्यू है, यहाँ पे चांद भी है, वहाँ पे सूरज ढल रहा है। और यहाँ पे मॉम क्या कर रही हो? मॉम यहाँ पे दिल बना रही है। दिल भी मैंने अपना पाँव रखा। मॉम फिर से कोशिश में लग गई है गाइस। नहीं, अभी नाम लिख रही है। ओ, तो यहाँ कॉफी पीना हो रहा है, मुझे छोड़ के यार। नहीं, वो तो आवाज की तो तुमको। ओ अच्छा, तो कॉफी इतना मजेदार कॉफी रुखसार बना रही है। कॉफी का शॉप खोलना पड़ेगा। ओ कॉफी शॉप, अच्छा। अमर आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग बीच गए थे, तो बीच से आके हम लोग कॉफी और केक वगैरह खाए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं पूल में, तो चलिए आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। सो गाइस, आज मोहम्मद भाई रूम में आराम कर रहे हैं और बोले हैं कि तुम लोग जाकर लेडीज लोग इंजॉय करो, तो आज अम्मी को हम लोग उतारे और अम्मी डर रही है बहुत ज्यादा। अरे अम्मी, टायर धोड़ो, भाई कड़बड़ किया छे। हाँ, पा खड़ा रखो बस। हाँ, अच्छा, हम तो फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं। आज मेहमान आने जा रहे हैं।
आज नीलू आप भी नहीं नहाएंगी। आज मैं भी स्विमिंग पूल में नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से खड़े होकर इन लोगों का वीडियो वगैरह बना लूंगी। और गाइस ये रिजॉर्ट में बच्चे लोग भी बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे। कैसा लग रहा है अम्मी? अच्छा लग रहा है, डर भी लग रहा है। अम्मी का ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं टाई ले ली हूँ। अम्मी टायर ली है, अम्मी टायर नहीं, मेरे लिए टायर की जरूरत नहीं है। देखो हम टहल रहे। और गाइस ये बच्ची सुबह बहुत नहाई है, भी फिर से आ रही है बार बार। मैं रेडी हूँ। हाय चैम, चैम के पापा स्विमर है गाइस, और मोहम्मद भाई भी अच्छा स्विमिंग करते हैं, और मेरे जो संबंध स्पेशल हैं उन्हें भी स्विमिंग नहीं आती है। और हम दोनों सोचे हैं कि हम लोग सीखेंगे, स्विमिंग सीखेंगे। वाह, मेरी अम्मी को देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रहा है गाइस। क्यों पकड़ रही है इसको? बरसात का मौसम। अरे हम टायर में थोड़ी ना आएंगे। नहीं, हम बहुत लंबी है माशाल्लाह। अम्मी कैसा लग रहा है तुमको? तो आज के डिनर में हम लोगों का मटन आलू कसा, चिकन कसा, आलू पोस्तो, एक कड़ी रोटी, और मैंने अपने लिए स्पेशली फ्राई राइस मंगवाया है, मिक्स फ्राई राइस। तो मैं चलती हूँ एंजॉय करने के लिए, और यहाँ राइस भी है तो जल्दी जल्दी से भी हम लोग डिनर कर लेते हैं। यहाँ रोटी भी है देख सकते हैं, तो हम लोग अभी खाने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग भी व्लॉग के एंड तक जुड़े रहें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस अभी भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुका है, और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। गाइस अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और आप लोगों को भी लेकर चल रहे हैं। आप लोग, हम लोग का चेकआउट भी होने वाला है थोड़ी देर के बाद, और अभी जस्ट सोकर उठी हूँ, फ्रेश हो। गाइस हम लोगों का गाड़ी आ चुका है,
रही है अभी हल्की हल्की सी बारिश। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे गाड़ी का एसी सूट नहीं करता है बोलकर मैंने सारा विंडो ओपन करके ही रखी हूँ, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तो वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हमारा तबीयत भी सही है। मुझे वॉमिटिंग वगैरह थोड़ा भी कुछ भी नहीं हुआ है और हम लोग आधा रास्ता से ज़्यादा ही हम लोग अभी तक आ चुके हैं। और गाड़ी में अभी हम लोगों ने जो भी खाया आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर की हूँ, और अभी डायरेक्ट जाकर शेरे पंजाब में लंच करूँगी, तो चलिए आप लोगों को भी लेकर चल रहे हैं गाइस। तो गाइज हम लोग शेरे पंजाब आ चुके हैं और ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा। गाइज अभी बज रहा है दोपहर का 3, और अगर हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर का इतना ज़्यादा लाइन है, इतना ज़्यादा वेटिंग है कि हम लोग मतलब घर जाते जाते हम लोग का 7 बज जाएगा अगर हम लोग अंदर बैठेंगे तो। अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ बैठकर हम लोग लंच करें, इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ। तो हम लोगों को लास्ट एक फाइनली एक खटिया मिला है गाइज, खटिया में बैठ गई हम। हम लोग अंदर यहाँ मतलब इस साइड अगर बाहर की तरफ बैठना चाहे तो लाइन है हम लोगों का 2 घंटा के बाद आएगा, और अंदर तो शायद 3 घंटा हो जाएगा। मम्मी राजनंदनी बैठी है वहाँ, नीलू आपी, मोहम्मद भाई, चैम, चार आपी सब वहाँ ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि गाइस हम लोगों को जगह नहीं मिल रहा, हम लोगों को सीट नहीं मिल रहा, बहुत लाइन है यहाँ, नाम वगैरह लिखवाना पड़ रहा है, देन आपको एंट्री मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा गाइस। तो अभी हम लोग लस्सी वगैरह जो भी पीना है, जिसको आइसक्रीम वगैरह जो भी लेना है, हम लोग ऑर्डर करके हम लोग यहीं खा कर निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाएगा। सब वेटिंग में वहाँ बैठे हैं लोग, देखिए सब वेटिंग में बैठे हैं, मतलब बैड लक हो गया आज हम लोगों का। ये लोग लिया है आइसक्रीम, ये च्युइंग गम भी लिया चैम, जल्दी 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 चैम खोलो, हाँ गुड वेरी स्मार्ट वेरी क्लेवर। तो यहाँ मैं अपने लिए चिकन सैंडविच ली हूँ, नीलू अपी भी चिकन सैंडविच, रुखसार अपी भी चिकन सैंडविच, अम्मी अपने लिए सिंगाड़ा ली है, और हम लोगों ने अभी जस्ट लस्सी भी ऑर्डर किया है, देख सकते हैं। रुको और सैंडविच खाई और कुछ भी नहीं खाई, अगर अंदर जाती तो बहुत कुछ खाती। और गाइज़ देखिए ये है यहाँ का वेटिंग का हाल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस साइड भी बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, और ये हाँ माइक में अनाउंस हो रहा है, उसके बाद सारे लोगों को एंट्री मिल रहा है। सो पॉसिबल नहीं था तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, क्योंकि हम लोग ड्राइवर को बोले थे कि हम लोगों को 1 घंटा ही रुकना है, क्योंकि ड्राइवर को वापस फिर मंदारमनी जाना है, तो इस वजह से हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था उनको कि हम लोगों को 1 घंटा के लिए लंच के लिए रुकना है, बट नहीं हो पाएगा पॉसिबल, तो इस वजह से हम लोग निकल गए। तो जैसे कि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप हमारे फैमिली जैसे हैं, तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग मुझे
बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। और इसी के बीच आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितने सारे मैंने मंदारमनी का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो लोग अभी तक मेरे मंदारमनी का व्लॉग नहीं देखे तो जल्दी से जाइए और मेरे मंदारमनी का व्लॉग देखिए और ज़रूर कॉमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।